स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जुडिशियल एंड ऑल इंडिया बार एग्जाम्स में। तो दोस्तों, LLB की 3 वर्षीय या 5 वर्षीय डिग्री पास करने के बाद वकालत पेशे से जुड़े एडवोकेट्स को एडवोकेट एक्ट 1961 में कुछ विशेष अधिकार और गिरफ्तारी में छूट जैसी कुछ महत्वपूर्ण छूटें प्रदान की गई हैं, जिनका ज्ञान सभी एडवोकेट्स के लिए उपयोगी होगा। इसलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको वकीलों को मिलने वाले विशेष अधिकार और विशेष छूटों के बारे में बताएंगे। पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वकालत पेशे से जुड़े वकीलों को एडवोकेट एक्ट 1961 के अनुसार कुछ अधिकार दिए गए हैं, जिसमें से पहला अधिकार है राइट टू प्रैक्टिस। जी हाँ, एडवोकेट्स को एडवोकेट एक्ट 1961 के सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक प्रोटेक्शन दिया गया है। सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग जो व्यक्ति स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर्ड है, उसे भारत के किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल में एक एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस करने का अधिकार दिया गया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है। परंतु न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग यदि स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने वाले एडवोकेट ने LLB की डिग्री 2010 या 2010 के बाद पास की है, तो उसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित ऑल इंडिया बार एग्जाम को पास करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उस एडवोकेट का राइट टू प्रैक्टिस बार काउंसिल द्वारा वापस ले लिया जाएगा और वो एडवोकेट नहीं रह पाएगा। दूसरा और महत्वपूर्ण अधिकार है राइट टू प्री ऑडियंस। तो एक एडवोकेट को राइट टू प्री ऑडियंस एडवोकेट एक्ट 1961 के सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग दिया गया है। इसके आधार पर न्यायालय में किसी भी व्यक्ति की तुलना में एक एडवोकेट को सबसे पहले सुने जाने का अधिकार दिया गया है, और कोर्ट में एडवोकेट द्वारा अपने क्लाइंट के पक्ष में अपनी बात रखते समय कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता जब तक कि वह अपनी बात पूरी न कर दे, लेकिन एडवोकेट द्वारा किसी दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। एडवोकेट एक्ट 1961 के सेक्शन 23 में वकीलों के मध्य कोर्ट द्वारा एडवोकेट को पहले सुना जाए, इसका विवरण भी दिया गया है। तो दोस्तों, अब आगे हम आपको बताएंगे वकीलों को कौन कौन सी छूट प्रदान की गई है। तो देखें, इसमें जो सबसे पहली छूट है आपकी है गिरफ्तारी में छूट। जी हाँ, एक एडवोकेट को सिविल केसेज में गिरफ्तारी से छूट प्रदान की गई है। यह छूट कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के सेक्शन 135 के अकॉर्डिंग दी गई है। इसके अनुसार एक एडवोकेट जब कोर्ट या ट्रिब्यूनल अटेंड करने जा रहा हो या वापस आ रहा हो, उसे सिविल केसेज में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, परंतु यह सुरक्षा क्रिमिनल ऑफेंसेस या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में उपलब्ध नहीं है। दूसरी जो छूट प्रदान की गई है वो आपकी है जेल में कैदी से मिलने का अधिकार। तो ये क्या है, जेल के नियमों के अनुसार सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और गुरुवार मुलाकात के दिन होते हैं। इन 2 दिनों में प्रत्येक व्यक्ति केवल 2 दिनों में ही मुलाकात कर सकता है, लेकिन वकीलों के लिए छूट है, वे जब चाहें और जितनी बार चाहें अपने क्लाइंट से मिल सकते हैं। तीसरी और जो विशेष छूट प्रदान की गई है वो आपको इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 126 के अनुसार पेशेवर रोजगार के उद्देश्य के लिए अधिवक्ताओं और क्लाइंट के बीच हुए कम्युनिकेशन का खुलासा करने की अनुमति नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे अपराध माना जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।